गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने पत्रों के प्रारूप के विषय में जाना। आज की क्लास में मैं आपको निजी पत्र लिखवाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और फिर अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। जिनके पास फेयर कॉपी ना हो वो रफ कॉपी में लिख सकते हैं। पत्र का विषय है, आप अपने मित्रों के साथ किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गए थे। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए पिता को पत्र लिखें। इसके बाद आप फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर पत्र लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। आप अपने अपने घर का आवास का पता लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर पता लिख रही हूँ। गृह संख्या 35B, राजभवन अपार्टमेंट, रोड नंबर 16, राधिका नगर, टेल्को कॉलोनी, जमशेदपुर 831004। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे तिथि 28 अप्रैल 2020। एक लाइन छोड़कर फिर आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी, क्योंकि ये पत्र आप अपने पिता को लिख रहे हैं। उसके बाद सादर चरण स्पर्श, उसके बाद आप विस्मयादि बोधक का चिन्ह देंगे, उसके बाद पत्र शुरू होगा। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता की कामना ईश्वर से सदैव करता हूँ। इस बीच मैं आपको पत्र नहीं लिख पाया क्योंकि मैं अपने मित्रों के साथ नैनीताल घूमने के लिए गया हुआ था। हमें लगभग एक सप्ताह का अवकाश मिला था। हमने तय किया कि किसी पर्वतीय स्थान की सैर की जाए। कार्यक्रम बन गया और हमने नैनीताल की सैर की। अब पत्र के दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे, पिताजी, नैनीताल एक बहुत ही सुंदर शहर है जिसका मुख्य आकर्षण यहाँ की नैनी झील है। चारों ओर हरे भरे पर्वतों से घिरा यह शहर पर्वतीय सौंदर्य से परिपूर्ण है। शहर के किनारे किनारे खिले हुए फूल मन को ताजगी का आभास कराते हैं। यहाँ चिनार, ओक, चीड़ जैसे वृक्षों का सौंदर्य देखते ही बनता है। शहरों की भीड़ भाड़ से निकलकर यहाँ के शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में हमने कुछ दिन बड़े आराम से बिताए। घर पर बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह दीजिएगा। पत्र समाप्त होता है। अब एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे, आपका बेटा शुभम। बच्चों, आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अपने अपने पिता का पता। सेवा में श्री रमाकांत वर्मा, मकान नंबर 156, रोड नंबर 7, राजीव नगर, पटना, पिन कोड है 800001। आप अपने अपने पिता का आवासीय पता लिखेंगे। पत्र समाप्त होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।